सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, कह रहा है इफ वाई टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर वाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्या करें भाई? तो देखो हमने बताया भी कॉन्सेप्ट कि अगर वेरिएबल टू पावर वेरिएबल हो तो उस पावर से वेरिएबल को नीचे उतारना पड़ेगा, तो आपको यहां पर लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स। कैलकुलस में बेस ई रहता है, ध्यान रखिएगा। जनरली लॉग अगर आप यूज करेंगे तो बेस 10 रहता है। अगर आप कैलकुलेटर देखेंगे तो कैलकुलेटर में एक जगह लॉग एलओजी लिखा होगा, एक एलएन लिखा होगा, जो एलओजी हो बेस 10 है, लेकिन कैलकुलस में बेस ई माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमने लॉग ले लिया तो आ गया लॉग वाई टू पावर एक्स इज इक्वल टू, यहां भी लॉग ले लिया, लॉग एक्स टू पावर वाई। तो चूंकि रूल होता है लॉग एम टू पावर एन, अगर लॉग एम टू पावर एन है तो पावर का एन पहले आ जाता है, एन लॉग एम हो जाता है। इसका डेरिवेशन भी प्रूफ भी है, वो हम करवाने नहीं जा रहे हैं। एक्स पहले आ जाएगा तो अगले स्टेप में ये एक्स पहले आने वाला है और यहां पर ये वाई पहले आने वाला है। तो जो पावर का खेल था वेरिएबल टू पावर वेरिएबल, वो काम खत्म हो गया। अब इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक्स इंटू लॉग वाई का वन अपान वाई, उसके साथ क्या लिखा जाता है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग वाई और एक्स का वन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन वाई log x का 1 अपान x प्लस सेकेंड फंक्शन log x और y का dy by dx। अब जैसा कि आप जानते हैं कि dy by dx निकालना है तो dy by dx वाले टर्म में एक तरफ ले आओ, तो आएगा x अपान y dy by dx माइनस, इसको जल ले आओ, log x into dy by dx इज इक्वल टू, इधर है y अपान x माइनस log y। अब बस कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आना होगा वो अपने आप आंसर आ जाना चाहिए। चाहिए इसलिए कह रहे हैं कि गलती भी संभव हो जाती कभी कभी। यहां से हमने लिया डी वाई बाई डी एक्स, यहां एक्स कॉमन ले लिया तो आगे वाई का सॉरी वाई एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस वाई लॉग एक्स अपान वाई है ना इज इक्वल टू, यहां पर एक्स एलसीएम लिया तो वाई माइनस एक्स लॉग वाई अपान एक्स। तो निकालो डी वाई डी एक्स की वैल्यू, तो जब dy by dx का मान निकालेंगे dy by dx, तो ये y अपान x अलग कर दो और ये आपका हो जाएगा y माइनस x log y अपान x माइनस y log x। मेरे हिसाब से ही आपका आंसर आ रहा है, देख लेते हैं y y माइनस x log y। हाँ ठीक है, अब वाले आंसर नहीं मैच कर रहा है, हम गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लगा रहे हैं, उन्होंने ऊपर नीचे से माइनस का वन ले लिया, तो इनका आंसर ये आ रहा है वाई, ये आ गया आपका एक्स लॉग वाई माइनस वाई और नीचे एक्स, ये आएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बड़े को बड़े पॉजिटिव लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है ना, तो ऐसा तो कुछ नियम जनरल नहीं होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन आप अगर आंसर टैली नहीं हो रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज योर आंसर। तो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।